कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी डेब्यू फिल्म है, फीचर डेब्यू फिल्म है एंड एनिमल के ऊपर ये फिल्म है। एंड अभी हम देखते हैं ऐसा टाइम आ गया कि एनिमल के ऊपर हमें फिल्में बहुत ही कम देखने को मिलती है, एंड आप इस तरह की फिल्म एक अवेयरनेस वाली फिल्म ला रहे हैं डेब्यू से, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड क्या कुछ कहना चाहेंगी लकड़बग्घा को लेकर? जब से ट्रेलर आया है लोगों को बहुत ही वार्म रिस्पॉन्स है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, एंड उस दिन फिल्म भी ये दिखाई गई है, तो लोगों आपका तो सबसे पहले ये बताए कि क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जो आपके करीबी दोस्तों ने ये फिल्म देखी है, क्या कुछ? सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, मेरी आवाज़ बैठ गई है, सो आई अपोलोजाइज टू एवरीबडी जो सुन रहे होंगे। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, आई थिंक पीपल हैव अप्रिशिएटेड, जो एनिमल लवर्स हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है, और आई फील ऐसी फिल्म की ज़रूरत है क्योंकि आज यू नो इट्स द टाइम्स ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग। हम लोग एक कॉन्शियसनेस लेवल बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सब लोग बहुत अवेयर हो गए अबाउट मैनी थिंग्स, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, एनिमल हो, को एग्जिस्टेंस हो, तो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए। और मैं लकड़बग्घा को, ऑफ कोर्स इट्स माय डेब्यू फिल्म, पहली बार मैं बड़े पर्दे पर आ रही हूँ, बट मैं इसको एक्चुअली एज एन आर्टिस्ट, यू नो मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, एंड एज एन आर्टिस्ट मैं जो भी प्रोजेक्ट लेती हूँ उसमें अपने कैरेक्टर्स में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करती हूँ, तो मैंने एक्चुअली इसके लिए हाँ इसलिए बोला था बिकॉज आई फेल्ट यू नो सोशल मीडिया पे सिर्फ बात करने से या सिर्फ ये बताने से कि यू नो एनिमल्स के साथ बुरा मत करिए, उससे अच्छा है कि आई शुड बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जो ये चीज़ कह रहा है। सो मेरा रीज़न टू डू दिस फिल्म वॉज दैट इट हैपन टू बी अ फिल्म एंड इट हैपन्स यू नो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर आ रही है, बट मेरा इंटेंशन था टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जहाँ एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, वॉइसलेस के बारे में बात हो रही है, बिकॉज मैं एज अ पर्सन बहुत फील करती हूँ उसके लिए कि कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई जानवर या कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सबको उनकी स्पेस देनी चाहिए और हमें को एग्जिस्ट करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई डिड इट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, जो रिस्पॉन्स आया अभी तक अच्छा आया मेरे हिसाब से। कोलकाता में ये फिल्म दिखाई गई, मुंबई में ये फिल्म दिखाई गई, जिन लोगों ने ये फिल्म देखी हमने सुना कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपके दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स था, उनका क्या कुछ कहना था इस फिल्म लकड़बग्घा को? सो लकड़बग्घा मेरे दोस्तों को तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो सब के सब एनिमल लवर्स हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बायस्ड भी हो सकते हैं क्योंकि दोस्त हैं, बट ऑल माय फ्रेंड्स लव्ड इट, मोर देन माय फ्रेंड्स आई थिंक एनिमल लवर्स लव्ड इट, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, यू नो उन लोगों को पसंद आ रही। और एक चीज़ जो सब ने बोली है वो ये है कि फ़ोन नहीं उठाया एक बार भी मूवी देखते हुए, सो वो बहुत बड़ी चीज़ है आज की डेट में जहाँ आपके पास डिस्ट्रैक्शन, हर एक सेकंड डिस्ट्रैक्शन होता है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी सुनने के लिए। और इवन अंशुमन और मैं जब ट्रायल हो रहा था हम ऐसे छुप छुप के लोगों को देख रहे थे और मैं अंशुमन को डांट भी रही थी कि डोंट बी अ प्रिंसिपल, डोंट लुक एट पीपल, ही वॉज लुकिंग कि कोई सीन में कौन फ़ोन उठा रहा है, विच सीन इज़ होल्डिंग, विच सीन इज़ नॉट होल्डिंग। सो बहुत कम यू नो मेरे जितने भी उस दिन दोस्त आए थे और सबसिक्वेंटली जितने ट्रायल्स हो रहे हैं लोग फ़ोन बहुत कम उठा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी जब फिल्म पहली बार देखी थी मेरा भी ये कहना था कि मैं तो स्टोरी जानती हूँ, मैंने अपने सीन्स किए हैं, बट व्हेन आई सॉ द फिल्म इवन आई डिडंट पिक अप माय फ़ोन। सो आई रिमेंबर टेलिंग अंशुमन दैट आफ्टर फिनिशिंग वॉचिंग इट कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया एक भी बार, सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। यस, क्राव मागा में ट्रेन किया था इस मूवी के लिए और बहुत अच्छी ट्रेनिंग गई। जो टीम थी बॉम्बे में, जो टीम थी, हमने कम ट्रेनिंग की है बिकॉज मेरा एक ही सीक्वेंस है एक्शन का, सो आई हैड टू प्रेप फॉर दैट। द गुड थिंग वॉज दैट जिन्होंने हमें ट्रेन किया उनके साथ मैं पहले काम कर चुकी थी, तो विकी अरोरा, उन्होंने RRR और पता नहीं बहुत सारी फिल्में की है, मैं देखती रहती हूँ बहुत सारी फिल्में, फिल्मों में एक्शन कर रहे हैं आजकल,
सो ही न्यू ही नोज़ हाउ माई बॉडी इज़ ही नोज़ हाउ मच आई कैन डू एंड नॉट डू क्योंकि मैंने उनके साथ एक एक्शन वीडियो थोड़े कुछ साल पहले शूट किया था. सो द गुड थिंग वॉज कि आई वॉज वर्किंग विद पीपल हु न्यू हाउ आई कैन डू दिस एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मुझे एक्शन बहुत मज़ा आता है बिकॉज आई फील लाइक एनी थिंग टू डू विद मूवमेंट चाहे वो डांस हो एक्शन हो कुछ भी हो आई सी इट एज कोरियोग्राफी बिकॉज हम परफॉर्म कर रहे हैं कैमरा के लिए. सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न इट एंड मेरे में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है तो क्राव मागा की रिहर्सल तो होती थी उसके बाद भी मैं बोलती थी मैं डेड फॉल करूँगी मैं समझॉल्ट करूँगी एंड अंशुमन एंड विक्की यूज टू बी लाइक प्लीज़ कुछ मत कर जो हम तुझसे करवाना चाहते हैं बस उतना ही कर. बट इट वॉज गुड. आई मीन जिस टाइम पर मूवी आ रही थी और अंशुमन ने मुझसे बात की टू बी इन दिस फिल्म I was already looking for a Krav Maga trainer मेरे घर के आसपास because मैंने मर्दानी देखी थी और उसमें Krav Maga था. मैं आई रियली लाइक द मार्शल आर्ट्स फॉर्म जो उसमें था एंड आई फाउंड आउट कि क्या फॉर्म है तो मुझे पता चला कि वो Krav Maga है. तो आई वॉज लुकिंग फॉर ट्रेनर्स अराउंड माई हाउस एंड एक दो लोगों से बात भी हुई थी और उसके दो तीन दिन में शायद मैं अंशुमन को मिली थी. सो ही सेड Krav Maga करना पड़ेगा एंड आई वॉज लाइक आई एम रेडी फॉर इट. आई वॉज एनी वे लुकिंग फॉर अ ट्रेनर. So I'm very happy that it worked out and I'm very happy. लोग उसके लिए भी अच्छा बोल रहे हैं जो मैंने एक्शन सीक्वेंस किया. So fingers crossed. आप को जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही लंबे टाइम से जानते हैं. मैंने आपको सीरीज में देखा है टीवी में देखा है एंड एनिमल के ऊपर फिल्म में हमारी हिंदी आपका यह डेब्यू है इन हिंदी थिएटर के लिए. तो एनिमल के ऊपर फिल्म में हम देखते हैं बहुत ही कम बनती है ड्रामा हमें देखने को मिलता है रोमांटिक फिल्में देखने को मिलती है एक्शन भी देखने को मिलती है. एनिमल के ऊपर फिल्में का बहुत एनिमल ट्रैफिकिंग भी जैसा कि हम जानते हैं कि हो रही है तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे रिद्धि जी. आई थिंक बहुत ज़रूरी है वॉइस उठाना फॉर दिस बिकॉज एनिमल्स मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एनवायरनमेंट हो या एनिमल्स हो जिन इंसानों को ये समझना चाहिए कि जस्ट बिकॉज हमारे पास ज़बान है बोलने के लिए और दिमाग है चलाने के लिए तो हमें किसी और को अपने से कम नहीं समझना चाहिए. क्योंकि जब एनवायरनमेंट में कुछ ख़राब होता है सबसे पहले समझते हैं एनिमल्स और सबसे पहले अपने आप को बचाने वाले भी एनिमल्स होते हैं और सबसे पहले बच के निकलने वाले भी एनिमल्स होते हैं. तो आप समझ लीजिए आप कितने स्मार्ट हैं और आपका दिमाग कितना लिमिटेड है क्योंकि उनके पास इंट्यूटिव पावर्स है. उनके पास हमसे 7 गुना 14 गुना ज़्यादा सुनने की पावर है. वो हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है. तो बहुत मुझे लगता है इंसानों को ये बहुत स्टूपिड चीज़ है कि वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं और समझते हैं कि वो सबसे बड़े हैं. आई थिंक ये हमारी सबसे बड़ी डाउनफॉल है क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स वी शुड अंडरस्टैंड यू नो मैंने कहीं पर पढ़ा था इट्स नॉट नेचर डजंट नीड अस वी नीड नेचर. यू नो वी नीड नेचर टू सर्वाइव. पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें ये करना ज़रूरी है. इट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू को एग्जिस्ट विद इन्वायरमेंट विद ऑल द थिंग्स जो बोल नहीं सकते. हमें यूज़ करना चाहिए अपना दिमाग कि इनके साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए. और मैं एक और बात बताऊँ आजकल यू नो हिंदुस्तान में इतना चलन चल रहा है हिंदुत्व का एंड ऑल दैट. हमारी अब हिंदू कल्चर को ही ले लीजिए. वी प्रे टू प्लांट्स वी प्रे टू ग्रेन्स. हम जहाँ से बने हैं आप कोई भी पूजा उठा लीजिए. आप सुंदरकांड का पाठ ले लीजिए आप कोई भी पूजा ले लीजिए. मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक पूजा की थी अपने बर्थडे पे इसलिए मुझे पता है कि वहाँ डेटीज़ की फ़ोटो तो थी ही मतलब वो मूर्तियाँ तो थी ही सबकी पर वो सब सन मून ग्रेन फूल वो सब इन चीज़ों से ही आता है. सो वी आर एज इंडियंस हम धरती को ही पूजते हैं. तो उसको सिर्फ पूजा मत करिए उसको इम्प्लीमेंट भी करिए यू नो. तो और अगर एक एक इंसान करेगा हम हर चीज़ के लिए बोलते हैं गवर्नमेंट को ये करना चाहिए अथॉरिटीज़ को ये करना चाहिए बट आई फील कि एज अ सिटीज़न ऑफ आर कंट्री और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शुरू से यही कहते आए हैं कि आई नीड यू पीपल टू स्टेप इन एंड डू द वर्क. तो आई फील हर एक सिटीज़न को अपना काम करना चाहिए. आपके आसपास की सराउंडिंग आपके आसपास के कुत्ते और ज़रूरी नहीं आप कुत्तों से दोस्ती करिए आप उनको गले लगाइए बट उनके बारे में सोचिए कम से कम उन्हें यू नो धिक्कारिए मत उन्हें
डोंट पुश देम असाइड एंड डोंट ट्रीट देम लाइक दे आर नथिंग, बिकॉज ऐसा नहीं है. और सो या दैट्स व्हाट आई हैव टू से अबाउट दैट. अरे मेरा तो बहुत मन है बात करने का, बस ये कि ऑडियंस सोच रही होगी क्या हो गया इसकी आवाज़ को. बट मैं बहुत खुश हूँ. मैंने अपने आप को बड़े पर्दे पर देखा भी कोलकाता में जब मूवी आई कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. तो मैं अकेले, मतलब मैं बैठ के अकेली एक स्माइल तो आई फेस पे जब मैंने खुद को देखा. और आई ऑल्सो फेल्ट वेरी नाइस टू हियर माई वॉइस वो डॉल्बी एटमॉस में, तो अच्छा लगता है. और ये ड्रीम होता है हर एक्टर का. पर मैं आई थिंक अपनी लाइफ की हर एक अच्छी चीज़ को थोड़ा डाउन प्ले करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि वो चीज़ आ जाए, यू नो, दर्शकों के पास पहुँच जाए तो वो बताएं कि कैसा है और कैसा नहीं है. बट एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ पर्सन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और मेरे फिंगर्स क्रॉस्ड है कि यू नो जो मेहनत हमने करने की कोशिश की है और जो काम मैंने करने की कोशिश की है, जो ऑनेस्टी के साथ मैंने काम करने की कोशिश की है, वो चाहे छोटे पर्दे पर हो, मीडियम साइज पर्दे पर हो या बड़े पर्दे पर हो, वो लोगों को पसंद आए. और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जेन्युइनली ऐसे लगता है कि क्योंकि मेरा सफ़र यू नो कई सालों से रहा है, तो मैं एक्चुअली इस मोमेंट पे थोड़ा इमोशनल फील करती हूँ. क्योंकि मुझे लगता है इतनी ऑडियंस है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इतनी ऑडियंस है जिन्होंने उन दिनों में, उन हफ्तों में, उन महीनों में सपोर्ट किया है मुझे जब मेरे पास काम भी नहीं था. यू नो आप एज एन एक्टर ब्रेक लेते हो, आप सोचते हो ये नहीं करूँगी, वेट करूँगी, नो स्ट्रगल, नो इट्स नॉट अ सॉरी सॉब स्टोरी. बट तो मुझे उन लोगों के लिए भी बहुत इट्स लाइक अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस कि मैं उनके लिए ये कर पाई. मैंने गिव अप नहीं किया कहीं भी. एंड मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को यही बोलती थी कि यू नो मेरे साथ बने रहो, मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, सो डोंट लीव माई साइड. एंड दे नेवर लेफ्ट माई साइड. इनफैक्ट वो मल्टीप्लाई ही हुआ है हर प्रोजेक्ट के साथ. नए लोग जुड़े हैं, नए फैंस जुड़े हैं, नए वेल विशर्स जुड़े हैं. सो आई फील रियली रियली ग्रेटफुल. और यू नो इस दुनिया में जहाँ इतनी प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट मी उनका प्यार ही है जो मुझे ये दिखाता है कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है. यू नो एक इतनी इतना प्यार मिलता आ रहा है मुझे इवन व्हेन आई वाज नॉट डूइंग, यू नो आई वाज टेकिंग ब्रेक्स. तो उन्हीं की हिम्मत की वजह से, मतलब उन्हीं के प्यार की वजह से मुझे हिम्मत मिली है कि मैं यू नो अपना एक के बाद एक कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ. और मैं जो भी हूँ अपने ही बलबूते पे कर रही हूँ और ऑडियंस के प्यार की वजह से कर रही हूँ. सो आई एम हु आई एम बिकॉज ऑफ यू नो द ऑडियंस दैट हैज़ बीन विद मी सिंस 2009. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि टुडे देम इट्स यू नो आई फील लाइक इट्स आवर सेलिब्रेशन कि आई एम ऑन द बिग स्क्रीन. सो आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल. मैं क्या क्या आ रहा है, आ रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब असुर सीजन 2 तो है ही जिसकी बात बहुत टाइम से चल रही है. जब भी कुछ नया आता है लोग बोलते हैं ये सब तो ठीक है, असुर कब आ रहा है. बिल्कुल असुर का तो लोगों को बहुत इंतजार, मुझे भी बहुत इंतज़ार है. और आई थिंक आना चाहिए, वो चैनल के ऊपर है, उनको अनाउंस करना चाहिए. शूटिंग इज़ डन, एडिट पे काम, क्योंकि उनको टाइम मिल रहा है तो आई थिंक एडिट को और मजबूत कर रहे हैं, VFX को मजबूत कर रहे हैं. सो डबिंग भी कर ली है मैंने. और दूसरा एक रोमांटिक शो है वरुण के साथ ही है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. क्योंकि जब आएगा शो तब मैं इसके बारे में खुल के बात करूँगी, बट मैंने कभी रोमांस नहीं किया. आई हैव ऑलवेज प्लेड स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स. तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है एक्चुअली, सबसे आसान काम जो एक एक्टर को होता है, बिकॉज इट्स सो क्लोज टू यू नो रोमांटिक शोज बहुत क्लोज होते हैं टू हु यू आर, बिकॉज रोमांस इज ब्यूटिफुल एंड इट्स अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. बट मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने कभी भी इतना लाइट रोल नहीं प्ले किया है. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू सी दैट. देन एक और शो है जिसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, उसमें मैंने कदम रखा है, वो मेकर्स ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोल सकती उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी बाहर नहीं आया.
बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट. वो भी एक सीजन टू है एक एग्जिस्टिंग वेरी गुड शो का. सो आई एम एक्साइटेड. थोड़ा सा एनी वे मैं ज़्यादा नहीं बता सकती. एंड देन देर आर द बिग फिल्म्स. उन बड़ी फिल्मों के बारे में मैं यही कहूँगी कि आप मत ये सोचिए कि वो फिल्में मेरी हैं. मैं अपनी ऑडियंस से कह रही हूँ, मैं बड़ी बड़ी फिल्मों में यू नो अगेन मैंने हिम्मत की है, रिस्क लिया है कि मैंने बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स में कदम रखा है. टाइगर 3 करने का मेरा रीज़न था कि मुझे मनीष शर्मा के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. मैं पहले भी कह चुकी हूँ उनके साथ मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ. मैं एक्टर नहीं थी तब से उनको जानती हूँ, तो एक्टर कभी बनना भी नहीं चाहती थी तब से जानती हूँ. तो जब ओवर द ईयर्स वो इतने बड़े डायरेक्टर बन गए और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, तो जब मुझे चांस मिला कि यू नो शानो जो बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यू नो आप करोगे, तो मैं असुर 2 की शूट कर रही थी उस टाइम पे और डेट्स की बहुत वो हो रही थी क्योंकि ट्रैवल करना था उसके लिए. तो तब उन्होंने मुझे बताया. मैंने कहा डायरेक्ट कौन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मनीष डायरेक्ट कर रहे हैं. एंड आई वाज लाइक आई एम ऑन, आई एम डेफिनेटली डूइंग इट, क्योंकि मनीष मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरह, एज अ पर्सन जानते हैं, वो एज एन एक्टर नहीं जानते और मुझे उसकी परवाह भी नहीं है, बट वो मुझे एज अ पर्सन जानते हैं. जब मैं कुछ भी नहीं थी वो मुझे तब से जानते हैं. तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई वॉज गेटिंग टू बी डायरेक्टेड बाई हिम. एंड जवान तो खैर शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिले तो यू नो ऑल दो आई बी ऑनेस्ट, आइडियली जो मैं चाहती हूँ वो नहीं था. होपफुली मुझे फिर से मौका मिलेगा उनके साथ काम करने के लिए. बट उनके साथ सेट पे रहना, उनके साथ बैठना, उनकी आवाज़ सुनना, वो मुझे बता रहे हैं तू लाइन ऐसे बोल, तू ये कर, तू वो कर, वही मेरे लिए बहुत था. यू नो मेरे को एक मिनट के लिए हमेशा अपने आपको बोलना पड़ता था रिद्धि नो, रिद्धि यू आर एन एक्टर, यू आर अ को एक्टर, फोकस, ट्रीट हिम लाइक अ को एक्टर, डोंट यू नो. वो बहुत बार मुझे अपने आप को बोलना पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत ईजी कर देते हैं आपको. और ही इज़ अ स्वीट हार्ट. उन्होंने मुझे कभी बोला, मैंने उनको बोला मैं आपको शाहरुख सर नहीं बुला सकती, तो क्योंकि मेरे लिए वो शाहरुख है, मेरे लिए वो रोमांस है, ही इज़ लव फॉर मी. सो ही वॉज वेरी काइंड, इज हाँ तू मुझे शाहरुख बुला. तो इट वॉज वेरी स्वीट टू स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने मुझे इतना कम्फर्टेबल किया, पहले दिन ही, पहले 15 मिनट में ही इतना कम्फर्टेबल कर दिया. मैं थोड़ी फंबल कर रही थी, जैसे आज मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तो मेरा उनके साथ सीन था और मैं मिली उनको और फिर डायरेक्टर ने बोला चलिए रिहर्स करते हैं, तो मेरी आवाज़ ऐसी ही निकली. मेरे को डायलॉग बोलना था, ऐसी ही निकली आवाज़. तो उनको समझ में आ गया कि यू नो शी इज़ फीलिंग नर्वस, तो उन्होंने एकदम से मुझे कॉन्फिडेंट करने के लिए बोला चल तू ये प्रॉप ले और मुझे ये दे. तो यू नो क्या होता है कि एक्टर को एक कुछ करने को मिल जाता है तो आपका दिमाग यू नो डाइवर्ट हो जाता है. एंड उन्होंने वो किया मेरे साथ. तो फिर जैसे ही मैंने प्रॉप यूज़ किया तो कॉन्फिडेंस आ गया. तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आ गया कॉन्फिडेंस, आई सेड आपने हेल्प कर दी. सो ही इज़ अ स्वीट हार्ट यू नो, एंड दिस वॉज द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ मी टॉकिंग टू हिम. सो ही इज़ अमेजिंग. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.